ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट न्यूज के साथ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर मंथन। दिल्ली समेत एनसीआर में सटे सभी राज्य दाखिल करेंगे हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की दिल्ली में आपात बैठक। स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की सिफारिश। मैनेजमेंट ने दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का दिया आदेश। प्राइवेट दफ्तरों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक। जरूरी सामानों को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर भी लगाई गई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा में है जहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। दमघोटू हवा से लोगों का हाल बेहाल। श्रद्धालुओं के लिए आज फिर से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। कहा यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सभी सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार से सम्मान भाव को दर्शाता है। करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर जेपी नड्डा ने जताया पीएम मोदी का आभार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जताई खुशी। यूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी को एक्सप्रेसवे बनने प्रदेश बना रही सरकार और एक्सप्रेसवे को बताया प्रदेश के विकास की एक नई तस्वीर। पीएम ने कहा कि कभी सोचा नहीं था एक्सप्रेसवे पर भी उतरेगा विमान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बताया यूपी के विकास और प्रगति का एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने देखा है शो। सुखोई राफेल ने दिखाई हवाई करतब। सिराज ने भी की इमरजेंसी लैंडिंग। पीएम मोदी ने की भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान सुपर हरक्यूलिस की सवारी। विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरने के बाद इसी विमान से लौटे वापस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी किया नया म्यूजिकल वीडियो। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग दूसरों के पट्टे पर उतारते हैं अपना जहर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के काम का श्रेय लेने का लगाया आरोप। तंज कसते हुए कहा कि पिता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से आई कैंची। पीएम मोदी से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया सांकेतिक उद्घाटन। पुलिस को चकमा देकर एक्सप्रेसवे पर चलाई साइकिल। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की तस्वीरें। उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उधम सिंह नगर जिले में बंगाली समाज को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने आजादी के आंदोलन में बंगाली समाज के योगदान को भी गिनाया। कहा वे आजादी महान सेनानियों के त्याग और बलिदान की वजह से मिले। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र के साथ दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान और पंजाब के अधिकारियों ने की ज्वाइंट मीटिंग। दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और इंडस्ट्री बंद रखने का दिया सुझाव। मीटिंग के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निजी और सरकारी कार्यालय में लागू हो वर्क फ्रॉम होम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र में बुलाई बैठक। गोपाल राय का ऐलान दिल्ली में 3 दिसंबर तक चलेगा रेड लाइट ऑन गाड़ी रेड लाइट ऑफ अभियान। और शहर में सभी स्कूल कॉलेज पहले से बंद। चुनावी मौसम में पंजाब ने भी पकड़ी हरियाणा की चाल। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में प्राइवेट जॉब में आरक्षण की तैयारी कर रही चली सरकार। पंजाब में जल्द लोकल रिजर्वेशन कानून ला सकती है चंडी सरकार। कानून के तहत पंजाबियों को दी जाएगी जॉब में ज्यादा तवज्जो। कानून के आने से बड़ा बवाल होने की संभावना। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में पावकम दफ्तर की छत पर बैठे पदाधिकारियों से की मुलाकात। जूस पीकर खत्म करवाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल। नवजोत सिंह सिद्धू ने कर्मचारियों की मांग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के सामने रखने का दिया भरोसा। पिछले करीब 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित। पंजाब के बाद ऐसा करने वाला बना दूसरा राज्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने पर बीजेपी ने किया जमकर विरोध। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा की कार्यवाही को बहिष्कार करने की जमकर की नारेबाजी। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया खुलासा। केपी गोसावी और एक इन्फॉर्मर की कथित व्हाट्सएप चैट की शेयर। चैट में काशिफ
खान नाम के व्यक्ति का जिक्र है। नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स पार्टी में मौजूद दाढ़ी वाले व्यक्ति का बताया नाम। का फैशन टीवी इंडिया का हेड काशिफ खान है वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो फैशन के नाम पर करता है ड्रग्स का धंधा। नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भी खोला मोर्चा। गोसावी और काशिफ खान के व्हाट्सएप चैट शेयर कर पूछा समीर वानखेड़े का इससे क्या संबंध। नवाब मलिक का दावा क्रूज पार्टी में काशिफ खान और दुबई का एक व्यक्ति भी था मौजूद। बोले काशिफ खान समीर वानखेड़े के लिए करता है वसूली का काम। इस्लाम के नाम पर जहरीले प्लान वाले जाकिर नाइक को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ाया गया। जाकिर नाइक के एनजीओ पर पहली बार नवंबर 2016 में यूएपीए के तहत लगाया गया था बैन। जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में जो दर्ज है कई आपराधिक मामले। फिलहाल मलेशिया में रह रहा है जाकिर। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई। करीब 3.5 घंटे तक चला एनकाउंटर। गोलीबारी के दौरान आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग भी ढेर। दिल्ली के टॉप फ्लोर पर छुपे थे आतंकी। सरेंडर करने के लिए कहने पर की फायरिंग। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक करीब 25,45,00,000 से ज्यादा केसेज आए सामने। 23,12,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 51,00,000 के पार। देश में बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा केसेज। 11,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक दिन में 125 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3,44,00,000 के पार। अब तक करीब 3,38,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 4,63,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 36 नए केसेज आए सामने। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसेज की संख्या 340 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 950 से ज्यादा केसेज। कुल संक्रमितों की संख्या 64,00,000 के पार। 15,000 से ज्यादा लोगों का इलाज। जब भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए केसेज। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेज की संख्या 90 से ज्यादा तो वहीं पर मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 870 से ज्यादा केसेज। कुल मामले 16,00,000 के पार। 15,076 लोगों की रिकवरी हुई। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 3 नए केसेज। कुल मामले 7,00,000 के पार। 26 लोगों का इलाज। जब भी जारी है। हरियाणा में 14 नए केसेज। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 लोगों की रिकवरी। 150 लोगों का इलाज जारी है। हिमाचल में बीते 24 घंटों के अंदर 56 नए केसेज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112,34,00,000 के पार। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित कैग हेडक्वार्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। कैग कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस समारोह को भी किया संबोधित। ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी किया हमला। कहा हमने पिछले सरकारों का सच पूरी ईमानदारी से देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा पहले देश में ऑडिट को एक आशंका और भय के साथ देखा जाता था लेकिन आज ऑडिट वैल्यू एडिशन का है एक अहम हिस्सा। ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि एक संस्थान के रूप में कैग अपने आप में एक विरासत। इसकी रक्षा और इसे बेहतर बनाना हर पीढ़ी का है कर्तव्य। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार ने क्रूरता की सारी हदें की पार। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को किया गया क्षतिग्रस्त। प्रतिमा की गर्दन को की गई तोड़ने की कोशिश। हमलावरों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने दी घटना की निंदा। कहा सांस्कृतिक स्मारकों पर हमले बर्दाश्त से परे और एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने किया था महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण। पत्रकारों को सीएम मनोहर लाल ने दी राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई। ट्वीट में लिखा सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने में मीडिया का अहम योगदान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर का इस्तीफा। विनोद मेहता ने किया पद से रिजाइन। 7 महीने पहले हुई थी नियुक्ति। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार ने नहीं किए अपने वादे पूरे।
प्रदेश में डीएपी खाद की कमी पर हुड्डा का बयान, का मंत्री दे रहे गलत बयान, खाद के लिए बहन बेटियों को लंबी लाइनों में लगकर करना पड़ रहा है इंतजार। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी हुड्डा ने खड़े किए सवाल, बोले सरकार ने नहीं बनाया अस्पताल, डेंगू टेस्ट के लिए किट की भी प्रदेश में कमी। चंडीगढ़ में बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरियाणा बिजली व्यवस्था को बताया बेहतर। पंजाब में बिजली रेट कम करने पर बोले रणजीत सिंह चौटाला, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कम दिए बिजली के बिल। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी बड़ी जानकारी, कहा जेलों में सुधार के लिए उठाए गए कई बड़े कदम, रोहतक में बनाई जा रही हाई सिक्योरिटी जेल। दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति पर भी बोले रणजीत चौटाला, बोले केवल पराली नहीं दिल्ली में ट्रैफिक है प्रदूषण की मुख्य वजह। नारनौल पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को किया संबोधित, 8 मामलों का मौके पर किया निपटारा। जेपी दलाल का बयान, बोले किसानों के हित में पिछले 7 सालों में चलाई कई योजनाएं, सरकार को है किसानों का समर्थन। करनाल के एग्रो मॉल में पहुंचे आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत, आंदोलनकारियों से मुलाकात कर दी मॉल की जानकारी, साथ ही अगर एग्रो मॉल या मंडी बेची तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ करेंगे आंदोलन, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। राकेश टिकैत ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर साधा निशाना, कहा मंत्री अनिल विज नहीं है हमारी सलाहकार समिति के सदस्य, तो हम उनके कहने पर क्यों बदले अपने मोर्चे का नेता। मीडिया से बात करने के दौरान राकेश टिकैत का बयान, 29 नवंबर से दोनों बॉर्डरों से 500-500 आंदोलनकारी ट्रैक्टरों के साथ संसद का करेंगे घेराव, आंदोलन की तरह लंबा होगा, इस बात को लेकर नहीं दी जानकारी। करनाल के डेरा कार सेवा गुरुद्वारा में भारतीय किसान यूनियन ने की बैठक, आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चनूनी समेत कई नेता भी रहे मौके पर मौजूद। गुरनाम सिंह चनूनी का बड़ा बयान, बोले पंजाब विधानसभा में उतारेंगे सभी प्रत्याशी, बुद्धिजीवी लोगों का मिलेगा साथ, खुद के चुनाव लड़ने से किया इनकार। तिगांव क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक राजेश नागर की बैठक, जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों को समय पर काम करने के दिए आदेश, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की कही बात। कालावली में आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हरियाणा में बीजेपी सरकार में चरम पर पहुंचा भ्रष्टाचार। डॉक्टर सुशील गुप्ता का ऐलान, बोले निकाय और पंचायत चुनावों में भाग लेगी आम आदमी पार्टी, हरियाणा की जनता को है आप में पूरा विश्वास। अंबाला में महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार निकाली गई साइकिल रैली, प्रदेश के हर जिले में पहुंचेगी रैली, अंबाला पहुंचने पर महिला पुलिस का किया जोरदार स्वागत। यमुनानगर में राज्य स्तरीय ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की शुरुआत, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मेले का किया उद्घाटन। मेले के कई राज्यों से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान, 19 नवंबर को होगा मुख्य स्नान, आयोजन को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। बहादुरगढ़ की अनिष्ठा राठी ने रचा इतिहास, सोनीपत में आयोजित हुई ऑल इंडिया डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण, जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल। जीत के बाद अनिष्का ने अपने माता पिता और कोच का जताया आभार, कहा गुरु और माता पिता के मार्गदर्शन से हासिल की सफलता। महिला नेतृत्व को सशक्त करने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में आईआरएस मोनिका सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। नागल चौधरी में नगर पालिका की बड़ी पहल, सर्दी को देखते हुए वैन बसेरों में बेघरों को रहने का किया गया इंतजाम। करनाल में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, जिले में अब तक सामने आए 186 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग बीमारी को लेकर लगातार लोगों को कर रहा जागरूक। स्वास्थ्य विभाग का दावा, कहा अस्पताल में बेड की नहीं कोई कमी, साथ ही विभाग ने मरीजों के परिजनों से की सावधानी बरतने की अपील। मरीजों के परिजनों का प्राइवेट ब्लड बैंक पर बड़ा आरोप, कहा ब्लड के लिए कीमत से ज्यादा वसूल रहे पैसे। डू में भी बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, जिले में अब तक 431 डेंगू के मरीजों की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग लोगों को करा जागरूक। रेवाड़ी में सफाई कर्मचारियों ने जिला सचिवालय पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी, सीएम मनोहर लाल के नाम सौंपा सीटीएम को ज्ञापन।
रनिया में डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने लगाया जाम। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस के आश्वासन के बाद खोला जाम। फतेहाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही आई सामने, जान जोखिम में डालकर बसों की छत में बैठकर सफर करने को मजबूर है स्कूली छात्र। रोडवेज समस्याओं को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके छात्र, प्रशासन ने नहीं किए समुचित इंतजाम। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रशासन सख्त, जारी की गाइडलाइन, सड़कों पर वाहनों के आगमन को 30% तक कम करने की चेतावनी। नए नियमों के अनुसार सरकारी और निजी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए मिले आदेश, फिलहाल एक हफ्ते तक इन नियमों का करना होगा पालन। नरौंडा में टला बड़ा हादसा, चलती कार पर गिरा 70 किलो का पत्थर, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए जनता टीवी।